ओम शांति। दीदी के अंदर जैसे बताया वात्सल्य भी था तो टीचर का भी रूप था और साथ में विद्यार्थी का भी रूप था। उसी समय कोई चेयर नहीं होती थी, कोई कोच नहीं होता था, सोफा, सभी लोग जमीन में बैठ करके ही मुरली सुनते थे और बाबा सुनाते थे। तो दीदी को मुरली सुनने के टाइम भी बाबा के बच्चे याद आते थे कि ये पॉइंट उनको लिखेंगे भेजेंगे तो उनका भी मन में बहुत अच्छी ऊंची धारणा बन जाएगी, तो याद रहता था। जैसे साकार में बाबा 20-25 भाई बहनों के बीच में भी मुरली चलाते थे, लेकिन बाबा सारे विश्व की आत्माओं को सामने रख करके उसी लहर से उसी फलक से सबको देख करके जैसे ग्लो पे बैठ के मुरली चला रहे। तो दीदी भी मुरली सुनते समय जो नोट्स देती थी, दीदी की भी नजरों में पूरे विश्व की आत्माएं और बाबा के बच्चे तो विशेष करके होते थे। दीदी के आंखों में दो रूप दिखाई देता था, एक तो स्नेह का स्वरूप और दूसरा शक्ति स्वरूप। देखने में भी लगता था कि दीदी का डबल पार्ट एक साथ चल रहा है, स्नेह रूप भी शक्ति रूप भी। दीदी हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसके बाद जब मैंने फूल देना शुरू किया तो मैं दीदी के बहुत नजदीक हो गई। दीदी कुछ ना कुछ बातें मुझे सुनाती रहती थी जिसमें स्व उन्नति समाई हुई है। कभी दीदी अपनी बात भी सुना देती थी, कहती थी देखो जब मैं बात दे रही थी तो कौन सा गीत गाती थी पता है, तो मैं कहती थी नहीं दीदी मुझे नहीं पता, तो दो लाइन दीदी गा के सुनाती थी। मुझे अभी भी याद है कि ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे, तो ये दीदी का बहुत जैसे मुख पर गीत था और उनको याद आता था कि मैं सारे दुनिया के बंधन को तोड़ के बाबा गई आई, सब कुछ छोड़ के आई। तो बहुत प्यार से दीदी सुनाती थी, कहती थी देखो कितना अच्छा ये गीत है, बाबा के ऊपर समर्पित होने का, बाबा का प्यार में आने का, बनने का,